वह भारत का तीसरा मुगल बादशाह था, लेकिन मुगल साम्राज्य को उसके जितना मजबूत कोई नहीं बना सका। लेकिन उसकी उपलब्धियों और आदर्शों ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उसने एक नए धर्म का आविष्कार किया और लोगों के बीच एक देवता बन गया। वह तो पढ़ा नहीं था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने साम्राज्य को बहुत ऊपर ले गया। उसके समय में भारत का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था। किसी वजह से उन्हें इतिहास में अकबर-ए-आज़म के नाम से आज भी याद किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह छोटा गुंबद और ईंट का छोटा चबूतरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट शहर में स्थित है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को मुगल बादशाह अकबर का जन्म वहीं हुआ था। जब अकबर ने अपनी आंखें खोली तो उसका पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से दिल्ली राज्य खोने के बाद इधर उधर भाग रहे थे। बेटे के जन्म का जश्न मनाने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। एक साथी ने कहा, राजा सलाम, चिंता मत करो, इस लड़के की सुगंध पूरी दुनिया में कस्तूरी की तरह फैल जाएगी। अकबर को कम उम्र में ही काबुल में उसके चाचा कामरान मिर्जा के पास भेज दिया गया था, लेकिन काबुल में अकबर पर मौत का साया मंडराने लगा। हुआ यह था कि अकबर के चाचा कामरान मिर्जा ने अपने भाई हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब हुमायूं ने अपनी सेना के साथ काबुल को घेर लिया तो कामरान मिर्जा ने एक भयानक चाल चली। उसने 4 वर्षीय अकबर को किले की दीवार के पास लाकर चिता से बांध दिया। हुमायूं दीवार के नीचे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। हुमायूं समझ गया कि अगर मैं किले पर हमला किया तो अकबर जिंदा जल जाएगा। यह हुमायूं के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन वह अकबर की जान बचाने के लिए पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने किले पर हमला किया और काबुल पर कब्जा कर लिया और अकबर को भी मुक्त करवा लिया। शाही प्रथा के अनुसार अकबर को नौकरानियों द्वारा स्तनपान कराया गया था। उनकी एक दासी जो उनकी पालक माँ थी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई। उनका नाम महम अंगा था और अकबर उनका बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उन्हें केवल अपनी ताकत दिखाने में दिलचस्पी थी। वह अपने से बड़े लड़कों को कुश्ती लड़ने की चुनौती देते थे और अक्सर उन्हें हरा देते थे। जब अकबर 13 वर्ष का था तब सम्राट हुमायूं ने सूरी वंश से दिल्ली की गद्दी वापस ले ली। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के कुछ ही समय बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर दिल्ली से 470 किलोमीटर दूर कलानौर क्षेत्र में था। हुमायूं की मृत्यु विद्रोह का कारण बन सकता था, इसलिए दरबारियों ने हुमायूं की मृत्यु के समाचार को छिपाने के लिए एक छोटा सा नाटक किया। हुमायूं के एक निष्ठावान धार्मिक विद्वान मुल्ला बख्शी थे। उनका कद और दाढ़ी का स्टाइल हुमायूं के समान था। फिर हुमायूं के शाही कपड़े मुल्ला बख्शी पहनकर राजमहल के आंगन में खड़ा हो जाता था। उसे दूर से देखकर लोग सोचते हैं कि राजा जीवित है। दूसरी ओर एक घुड़सवार को तुरंत कलानौर ले जाया गया। ये घुड़सवार अराजकता में कलानौर पहुंचे और राजा की मृत्यु की सूचना दी। हुमायूं का वफादार साथी बैरम खान उस समय अकबर के साथ था। जब परम खान ने यह खबर सुनी तो उन्हें आसन्न खतरों का आभास हुआ। अकबर को दिल्ली ले जाने के बजाय उन्होंने कलानौर में एक समारोह आयोजित किया और अकबर को राजा घोषित किया। बैरम खान स्वयं अकबर का मंत्री और संरक्षक बना। अब हुमायूं की मृत्यु का समाचार छुपा न रह सका और पूरे साम्राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। दिल्ली पर भी हमला हुआ। भारत में मुगलों का सबसे बड़ा शत्रु सूरी वंश था। हुमायूं की हार के बाद भी सूरी वंश ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर शासन करना जारी रखा। उसी परिवार के एक हिंदू मंत्री हेमू ने हुमायूं की मृत्यु की खबर सुनकर दिल्ली और आगरा पर हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को भारत का नया सम्राट घोषित किया। ऐसा लग रहा था कि हुमायूं के बाद अकबर को भी निर्वासन में रहना पड़ेगा।
क्योंकि दिल्ली उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन अकबर का संरक्षक बैरम खान यह मानने को तैयार नहीं था। उसने अकबर को अपने साथ लिया और मुगल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। यहां से हेमू भी लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ निकला। भाग्य की विडंबना देखिए कि पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं, अर्थात वही स्थान जहां अकबर के दादा जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया था। 5 नवंबर 1556 को दूसरी बड़ी लड़ाई पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में हुई। हेमू हाथी पर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। दोनों ओर के सैनिक वीरतापूर्वक लड़ रहे थे, लेकिन अकबर के हौसले बुलंद थे। अचानक युद्ध के मैदान में एक तीर चला और सीधे हेमू की आंख में जा लगा। वह घायल होकर हाथी पर से गिर पड़ा। यह भी कहा जाता है कि यह तीर अकबर ने चलाया था। हालांकि जिसने भी तीर चलाया, हेमू के गिरते ही लड़ाई तय हो गई। उनकी सिपाही ने उन्हें मृत समझ लिया और युद्ध के मैदान से भाग गए। पर रुको, हेमू जीवित था। उसने अपनी आंख से तीर निकाल लिया। उसने अपना सिर रुमाल से बांध लिया और अपने युवा साथियों को इकट्ठा किया और फिर से युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसी वीरता दिखाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अकबर की सेना युद्ध में हावी हो चुकी थी। मुगल सेना हेमू के साथियों का सफाया कर दिया और हेमू को जिंदा पकड़ लिया गया। जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान, जिसकी योजना से लड़ाई जीत ली गई थी, उनके सैनिक जश्न मनाने के लिए उत्सुक थे। बैरम खान ने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, यह तेरी पहली जीत है। अपनी तलवार से दुश्मन का सिर काट दो और जीत का जश्न मनाओ। यह सुनकर अकबर हंस पड़ा। उन्होंने कहा कि बंधे दुश्मन का सिर काट देना बहादुरी नहीं है। हमारी तलवार यह नहीं करेगी, इसे दूर ले जाए। लेकिन बैरम खान हेमू को जीवित छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सका। इस अवधि के दौरान विद्रोह की एकमात्र सजा मौत थी। आता बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर काट दिया। हेमू की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा फिर से अकबर के नियंत्रण में आ गया। अन्य विद्रोहों को भी सफलतापूर्वक कुचल दिया गया और थोड़े समय के भीतर मुगल साम्राज्य में कानून और व्यवस्था बहाल हो गई। लेकिन राजनीति का सिद्धांत है कि सरकार की जंग कभी खत्म नहीं होती। अकबर के विद्रोहियों का सफाया हो गया, लेकिन उनके संरक्षक बैरम खान, जिन्हें अकबर प्यार से बाबा कहते थे, अकबर के लिए एक बड़ी समस्या बन गए। बैरम खान छोटे अकबर को अपने अधीन रखकर स्वयं सल्तनत की व्यवस्था चला रहा था, अर्थात अकबर केवल नाम का राजा था। सल्तनत में बैरम खान ने मनमाने फैसले लेने शुरू कर दिए। उसने अकबर की अनुमति के बिना अकबर के महत्वपूर्ण दरबारियों में से एक तारदी बेग और कई अन्य लोगों को भी मार डाला। लेकिन अकबर बैरम खान के प्रभाव में अधिक समय तक नहीं रहा। 17 वर्ष का होते ही उसने बैरम खां को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर हज पर भेज दिया।